असीं फ्रंटलाइन ते कोरोना नाल लड़ रहे कर्मचारियों की तारीफ तां रोज सुनदे आं, पर कई बार हर रोज मौत नाल दो चार करन वाले इन्हां योधियां नूं आप भी मुश्किल का सामना करना पैंदा है। कैनेडा दे ओटावा च रह रही कैथरीन सिलिंसकी जो कि पेशे वजो नर्स है, उसनों 7 हफ्ते पहला इसलिए बेघर होना पिया क्योंकि उसके मकान मालक नूं नर्स तो कोरोना फैलन का खतरा सी। कैथरीन सिलिंसकी ने भी हिम्मत नहीं हारी बल्कि ओटावा विखे अस्पताल च नौकरी छड़ उतों 400 किलोमीटर दूर स्थित लॉन्ग टर्म केयर होम च बुजुर्गों की देखभाल करने की नौकरी कर ली, जिथे उसके रहन का भी इंतजाम हो गया। उसने अपना दुख साझा करदे दसिया कि ज्यादातर हेल्थ केयर वर्कर्स का एक थान नौकरी करन नाल घर का गुजारा नहीं चलता बल्कि उसनू एक तो वध थावां ते नौकरी करनी पैंदी है। उसने कैनेडा सरकार तो मंग कीती है कि हेल्थ केयर वर्कर्स नू सरकार वलों रेगुलर किया जाना चाहिए। इस खबर के सुर्खियों च आने तो बाद कैनेडियन फेडरेशन ऑफ नर्सिज यूनियन की प्रधान ने यकीन दवाया कि सिलिंसकी की आर्थिक तौर पर मदद की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विजन पंजाब टीवी। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स एंड एंटरटेनमेंट वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। फॉर ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।